अच्छा चलो खैर यहाँ देख लो दोस्त, सारी चीजें छोड़ो बेटा, यहाँ देख लो अल्लाह के वास्ते क्लास शुरू करनी है हमने। अच्छा जी देखिए, दो छोटी छोटी डिस्कशन हमने करनी है पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास। आगे की जो चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं ना, उसको मैं आगे की चार क्लासेस की चीजें 10 मिनट में कवर करा सकता हूँ। वो 10 मिनट में कवर करने से तुम्हारा एग्जाम 0% अफेक्ट होगा। अगर मैं उसको 10 मिनट में कवर करा दूं ना, तो अपने एग्जाम के सवालात आराम से मैनेज कर लोगे, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट को समझ नहीं आएगा, ठीक है। और बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा कि चल क्या रहा है, ठीक है। एक है उसको डिटेल में पढ़ना। डिटेल में पढ़ने के बाद मैं आपको कहूंगा जो अगली चार क्लासेस हम पढ़ेंगे ना, उसके काम को एग्जाम व्यू पॉइंट से रेलेवेंट नहीं है। अल्टीमेट रिजल्ट रेलेवेंट है। वो रिजल्ट कैसे आया, उसके पीछे पूरा एक बैकग्राउंड है, पूरी थ्योरी है, ठीक है जी। मैं पहले आपसे एक वोट ले लेता हूं कि जी क्या समझते हैं, मैं वो चीज आपको पढ़ाऊं पूरा समझाऊं कि ये बना कैसे फंक्शन, या आपको बस छोटा सा फंक्शन करा के गोली करा दूं जी। कितने लोग समझते हैं कि मैं पूरा पढ़ा दें? अच्छा, पूरे पढ़ाने में सिर्फ एक एडवांटेज है, सवाल जितना भी घूम के आ जाए आपको पता होगा ये लेवल 1 से लेवल 2 से लेवल 3 से, ठीक है आपको इस। लेकिन ये कि जो एग्जाम में जितना आपकी किताब में लिखा है ना, 6 लाइनों में टॉपिक कवर हुआ हो, ये टॉपिक ठीक ठाक लेंदी है, बड़ा है, लेकिन 6 लाइनों में आपके एग्जामिनर ने कवर कर दिया कि जी इतना बच्चे को पता हो। और ये ऐसी चीज है जो हर सवाल में आता है, ठीक है जी। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में करा देता हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन एक रीजनेबल डिटेल में, ताकि एज ए उस्ताद ना मेरी तशफी हो जाए कि मैंने एक चीज तरीके से पढ़ाई है, ठीक है। अपने पास हेडिंग डालेंगे रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क हर जगह आएगा भाई, रिस्क ही रिस्क है यहां पे। अच्छा जी बोर्ड पे देखो दोस्त, सुनो रिस्क एंड रिटर्न का मतलब क्या है, वो एक छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। सुनो सर, मैं मिसाल के तौर पर एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, उस कंपनी का नाम है पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड, ठीक है जी। उसको हम कहते हैं POL, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड। अगर मैं उसमें पैसे इन्वेस्ट करूं तो देर इज अ 25% चांस के मुझे उससे 10% का रिटर्न मिले। देर इज अ 50% चांस कि मुझे उससे 12% का रिटर्न मिले। एंड देर इज अगेन अ 25% चांस दैट आई मे एंड अप एट 18% रिटर्न, ठीक है जी। ये डिपेंड करता है कि अगले साल मुल्क के हालात क्या हों, ऑयल मार्केट के हालात क्या हों। मैं 12% भी कमा सकता हूँ, 10% भी कमा सकता हूँ, और एज हाई एज 18% भी कमा सकता हूँ, और ये बराबर में उसकी प्रॉबिलिटीज हैं, ठीक है जी, कि कितने कितने परसेंट चांस है। तो मुझे बताओ वेटेड एवरेज क्या चांस है कि मैं क्या कमाऊंगा। वेटेड एवरेज क्या करें सर, हम एक्स बार निकाल लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस क्या करें 2.5%, फिर 6%, फिर 4.5%, ऐसा ही है, कितना हो जाता है ये 13%। इसका मतलब है लगभग हम कोई 13% कमाएंगे। देखो वैल्यू सही निकाली हमने, चेक करो वैल्यू सही है, अबे इतने हराम खोर है, कह रहे गोली करवा दें कह रहे छोड़े डिटेल विटेल, गोली कराएं बस फारिग करें। अच्छा जी सर सुने सर, 13% का एवरेज रिटर्न है ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हें पक्का पता 13% कमाएंगे हम? नहीं सर, 10% भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, ठीक है जी 12 भी हो सकता है, 13% तो वेटेड एवरेज है ऐसा। डिविएशन आ सकती है इसमें, डिविएशन का मतलब कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। ये तो नहीं कि 100% चांस है ना कि 13% रिटर्न हो, ऐसा तो नहीं है ना। डिविएशन आ सकती है, डिविएशन को हम कहते हैं रिस्क। इससे रिटर्न ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। आइंदा के बाद रिस्क का मतलब क्या होगा, वेरिएबिलिटी का मतलब है रेट ऊपर नीचे हो सकता है, रिटर्न ऊपर नीचे हो सकता है। सर एक्सपेक्टेशन को मीट ना करना, ये क्या है सर मेरे पास, रिस्क। अब बताओ इस डेटा को देख के आपको लगता है कि कोई रिस्क भी मौजूद है? हाँ सर, 13% से रिटर्न ज्यादा भी हो सकता है,
13% से रिटर्न कम भी हो सकता है। तो सर दिस वॉलेटिलिटी इज कॉल्ड रिस्क। अब रिस्क को हम मेजर करते हैं किससे? स्टैंडर्ड डिविएशन से। किससे? स्टैंडर्ड डिविएशन से। तो मैं अगर आपसे कहूं स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं इसका, बड़ा आसान है, मैं भी आपको निकाल के देता हूं सर। ना कैलकुलेटर पे हमने नहीं निकालना, पहले हमने इसको सीखना है लॉजिकली, ठीक है। सर मुझे एक बात बताएं, मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 25%, 50% और 25%। ऐसा बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, लिखना नहीं, लिखना नहीं, मेरी रिक्वेस्ट, लिखना नहीं। मुझे एक बात बताएं, क्या ये पहला वाला रिटर्न मीन से ऊपर है या नीचे? नीचे। कितना नीचे? एक्स माइनस एक्स बार कितना? 3% मीन से कम है, ऐसा। फिर दूसरा, मीन से 1% कम है। फिर तीसरा, मीन से 5% ऊपर है, ऐसा। इसका मतलब है ऊपर भी है नीचे भी है, वॉलेटिलिटी तो है, ठीक है जी। अब सर इसमें कुछ नेगेटिव्स हैं, कुछ पॉजिटिव्स हैं, तो हमें काम करते हैं इसका स्क्वायर ले लेते हैं ताकि नेगेटिव्स खत्म हो जाए, क्योंकि आप किसी भी दो सिमिलर साइन के नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो जवाब पॉजिटिव ही आएगा। कितना हो गई? 9%, 1% और कितना? 25%, ऐसा। ये हो गया जनाब डिविएशन फ्रॉम मीन का, हमने स्क्वायर निकाल लिया, किस लिए? ताकि नेगेटिव्स खत्म हो जाए। अब मुझे एक बात बताएं, मैं कह रहा हूं जनाब मीन से डिविएशन का स्क्वायर 9% है, लेकिन इसका चांस कितना है? 25%। तो एक काम करें जरा, मुझे ये प्रोबेबिलिटी एडजस्टेड डिविएशन निकाल के देने, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करें इसको, 2.25, फिर 25% का 25% है 6.25। अब बताए टोटल कितना आ रहा है? कितना? 9%, पक्का। अब मैं इसका रूट निकाल रहा हूं। रूट क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि सर हमने स्क्वायर किया था, तो रूट निकालेंगे ताकि एक हिस्सा खत्म हो जाए। कितना आता है जी? 3%। इसका मतलब समझते हो क्या है 3%? इसका मतलब ये है कि भैया हमारा रिटर्न 3% ऊपर भी जा सकता है, 3% नीचे भी आ सकता है। प्रोबेबिलिटी को एडजस्ट करके अगर हम देखें तो सर 3% ऊपर भी हम जा सकते हैं, 3% नीचे भी आ सकते हैं। मुझे बताएं ये स्टैंडर्ड डिविएशन जितना छोटा नंबर हो उतने चांसेस ऑफ डिविएशन क्या होंगे? कम होंगे। तो अगर आप किसी सिक्योरिटी का ये मालूम करना चाहते हैं कि उसका रिटर्न कितना है तो मीन निकाल लें, और अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि उसमें रिस्क कितना है तो क्या निकाल लें? स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लें। मुझे बताएं दो सिक्योरिटीज का रिटर्न बराबर है, बराबर रिटर्न है दो सिक्योरिटीज का, किसको प्रेफर करोगे? जिसका रिस्क कम है। दो सिक्योरिटीज का रिस्क बराबर है, किसको प्रेफर करोगे? जिसका रिटर्न ज्यादा है, ऐसा। तो ये बात देजे में बैठती है कि सर अगर मुझे किसी सिक्योरिटी का रिटर्न मालूम करना है तो मैं क्या करूं? सिंपल मीन मालूम कर लें उसके रिटर्न का, और अगर मुझे सर उसका रिस्क मालूम करना है तो सर रिस्क हम स्टैंडर्ड डिविएशन से डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन 3% का, इसका मतलब है सर 3% प्लस माइनस रिटर्न ऊपर नीचे जा सकता है। 95% चांसेस है कि हम 13% प्लस 3% या 13% माइनस 3% में जाके गिरेंगे, ऐसा। मुझे बताओ, मैं इसकी डिटेल इंटरप्रिटेशन नहीं चाह रहा, लेकिन इतना चाह रहा हूं कि तुम्हें इतना बताओ कि रिस्क किससे चलता है? डिविएशन से चलता है, और डिविएशन का मेजर हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन। रिटर्न के लिए हम क्या करेंगे? मीन निकालेंगे। दो सिक्योरिटीज का रिटर्न सेम, किसको प्रेफर करें? सर दो सिक्योरिटीज का रिस्क बराबर, इसका मतलब है हम अब इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस रिस्क और रिटर्न की बेसिस पे ले रहे हैं, ऐसा। हम इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस किसकी बेसिस पे ले रहे हैं? रिस्क और रिटर्न। ये बात देखिए में बैठती है सर, ये कॉपी कर लें। हम एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और हम वो जो अल्टीमेट फंक्शन है ना वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन पूरी स्टॉक मार्केट की डिटेल पढ़ गए। फिर जब हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ रहे होंगे ना, हमारे लिए कंपैरेटिवली आसान हो चुका होगा, ठीक है। सर मुझे आपने ये बताना है कि इन दो सिक्योरिटीज में से मैं किस में पैसा इन्वेस्ट करूं? ये दो सिक्योरिटीज हैं, हेडिंग थोड़ी इधर उधर हुई हुई है, जरा इसको मैं रीड करना सिखा देता हूं। हमारी इकोनॉमी का स्टेट रिसेशन भी हो सकता है, इसका मतलब हालात बुरे हैं, स्टडी इकोनॉमी भी हो सकती है और बूम भी हो सकती है, ठीक है जी। अब कंपनी ए रिसेशन में बहुत कमा के देगा,
बहुत कमा के देगा रिसेशन में। ये मे भी कोई ऐसी चीज है जो लाइफ सेविंग टाइप की चीज है या गिफ्ट एंड गुड्स टाइप की चीज है। स्टडी इकोनॉमी में 24 करा के देगा, जब इकोनॉमी बूम पे चल रही होगी तो लोग इसको यूज करना छोड़ देंगे और इसका रिटर्न कितना होगा, 4%। दूसरी तरफ कंपनी भी उसका भी यही हाल है। मुझे बताएं सर पहले बताओ, नहीं पहले नहीं खुद सोच के बताओ मुझे इसमें दोनों में से किस सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। शाह भाई डिविएशन विशन सब निकाल के दो, देन मुझे बताएं। सबसे पहले सर मेरे पास प्रोबेबिलिटी है 30%, 40% और 30%। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे बच्चों मेरे पास एक्स कितना जनाब, सर मेरे पास 28%, 24% और 4%। मुझे बताएं सर बार एक्स बार कितना जनाब, 28% × 30% कितना, 8.4। प्लीज बोर्ड पे देख लो यार, फिर 9.6, फिर 1.2 कितना होगा टोटल, 19.2%। ऐसा अब इसी तरह मेरे बच्चों मुझे बता दो हिसाब किताब किसका, सर कंपनी बी का। अच्छा मैं इसके लिए ना वाई का वर्ड इस्तेमाल कर लेता हूं, -10, 25 और 6 कितना, वाई बार जी -3%, 10%, फिर कितना आ रहा रिटर्न सर, 8.8। रिटर्न के मामले में कंपनी ए इज फार बेटर देन कंपनी बी। ऐसा कंपनी ए का एवरेज रिटर्न है 19%, कंपनी बी 8.8%। सर अगर मैं डिविएशन निकालने जाऊं, अब डायरेक्ट कर दिया करूं डिविएशन, ऐसे कर दिया करूं सर, 30%, 40% और 30%। ऐसा और पी एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डायरेक्ट ऐसे कर दूं, हैं आप ये उठाएं एक्स एक्स माइनस एक्स बार निकालें फिर उसका स्क्वायर निकालें प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दें, 8.8 4.8 कितना पहला 23.216 0 312 टोटल 101 पॉइंट। अब अगर मैं इसका रूट ले लूं सर, सर 10.08 चलो जी मुझे बताएं वाई का हिसाब किताब क्या है, प्रोबेबिलिटी 30%, 40% और 30%। मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे देखो जी सर क्या है जनाब, पी इंटू वाई माइनस वाई बार कितना, ये नेगेटिव है दिमाग में रखना, नेगेटिव में नेगेटिव नेट करोगे तो ऐड हो जाएगा ये, ठीक है जी, फिर उसका स्क्वायर लेना क्या रहा बताओ, -10 और -8.8 ये -18.8 हो गया, इसका स्क्वायर लो और उसको फिर मल्टीप्लाई कर दो 30% से कितना। यार क्या तुम लोगों को ये चीज -8.8 का स्क्वायर लेके इसको 30% से मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा, कितना 5 जवाब तो मेरे को ऑनलाइन आ गए, क्या कर रहे हो यार, फिर एक्स बार कैसे आया, एक्स बार ऐसे आया, ये एक्स बार है मीन जी, फिर दूसरा यार टाइम वेस्ट हो रहा है यार, फोकस करो यहाँ पे जी, फिर और नीचे वाला 2.35 एड अप करो इनको,
2 and 3 point, इसका रूट लो कितना 14.61, सही कह रहा है लड़का, छह परसेंट माइनस 8.8, यार इससे इससे जाहिर होता है कि तुम लोग की माशाल्लाह कंप्यूटेशनल स्किल्स कितनी अच्छी है, टेक्निकल तो बाद में आएंगी बहुत। चार फिगर्स ऐड करना, दो को मल्टीप्लाई करना, यही नहीं आ रहा यार। मैं आप सोच रहा हूँ टेक्निकल चीज कराऊं तो यही हालत तुम लोग की खराब है। मुझे बताएं कंपनी ए का डिविएशन भी कम है और रिटर्न भी ज्यादा है, कंपनी बी का डिविएशन भी कम है, सॉरी डिविएशन भी ज्यादा है, रिटर्न भी कम है, तो कंपनी ए को एब्सोल्यूट एडवांटेज है। अब सुनो, एग्जाम में सवाल ये आ सकता है, एक का रिटर्न ज्यादा हो दूसरे का स्टैंडर्ड डिविएशन कम हो, फिर क्या जवाब दोगे? एक का रिटर्न ज्यादा है दूसरे का स्टैंडर्ड डिविएशन कम है, क्या जवाब दोगे? आप कोई जवाब नहीं दोगे। आप कहोगे जनाब इट डिपेंड्स ऑन द रिस्क एपेटाइट ऑफ इन्वेस्टर कि वो किस सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करे। कम रिस्क के अगेंस्ट अगर कम रिटर्न है और ज्यादा रिस्क के अगेंस्ट ज्यादा रिटर्न है तो फिर हम किस पे छोड़ देंगे? इन्वेस्टर के रिस्क एपेटाइट में। मिसाल के तौर पर कोई मुझे कहे 12% का रिटर्न है, कोई रिस्क नहीं है, मैं कहूंगा ठीक है वेलकम। फिर एक बंदा कहे जी 5% का रिस्क है, 5% रिटर्न ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन आपको 20% का रिटर्न मिल रहा है, मैं शायद ना लूं। मैं कहूंगा क्यों भाई, भाई पैसा इतनी मुश्किल से जमा किया है, मैं ऐसे थोड़ी झोंक सकता हूं यार कहीं, ठीक है जी। केस टू मैं कहूं नहीं यार कोई मसला नहीं है, टेंशन ही नहीं है, पैसा तो आने जाने की चीज है, मैं तो ज्यादा रिटर्न की तरफ जाना चाह रहा हूं। तो सर याद रखिएगा ये इन्वेस्टर के रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। इस पे एक एमसीक्यू आया कि जी अगर दो सिक्योरिटीज में रिस्क और रिटर्न में ट्रेड ऑफ है, यानी एक जगह पे आप रिस्क बढ़ेगा तो रिटर्न भी बढ़ेगा, तो किस सिक्योरिटी को पिक करना चाहिए? दो डाटा दिया उसने, उसका जवाब क्या होना चाहिए कि सर ये इन्वेस्टर के रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है कि वो किस सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करे और किसमें ना करे। इधर ऐसी कोई कहानी है नहीं, इधर तो सीधा डिसीजन है, ए में रिस्क भी कम है रिटर्न भी ज्यादा है, और बी में सर रिटर्न भी कम है और रिस्क भी ज्यादा है, तो बकवास सिक्योरिटी है भी ऐसा। अच्छा सर हमने दो फंक्शन सीख लिए, मीन और हमने सीख लिया क्या चीज, स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसा। अब बोर्ड पे देखो मेरे बच्चों, बोर्ड पे देखो, सारी चीजें छोड़ो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। व्हाट इज मेंट बाय पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो क्या होता है? डिफरेंट के आगे भी पूछो, क्या होता है पोर्टफोलियो? मतलब ये डिफरेंट है तो ये पोर्टफोलियो है, हैं जी? क्या है पोर्टफोलियो? हिस्ट्री नहीं, और जी पोर्टफोलियो का मतलब होता है कलेक्शन, यार बेसिक इंग्लिश का वर्ड है। मेरे पास पोर्टफोलियो फ्लावर्स है, इसका मतलब है सर मैंने फूल जमा किए बहुत सारे। पोर्टफोलियो पेन्स, मैंने पेन जमा किए। पोर्टफोलियो शेयर्स, बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स है मेरे पास, ठीक है जी, शेयर्स भी है बॉन्ड्स भी है, मेरा पोर्टफोलियो कलेक्शन बड़ा है। पोर्टफोलियो को उर्दू में मतलब है कलेक्शन, ठीक है जी, उर्दू इंग्लिश, ठीक है। अच्छा सुनो, अब सुनो जरा दोस्त, एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। प्यारे भाई मेरे पास दो सिक्योरिटीज हैं, सिक्योरिटी ए सिक्योरिटी बी, गौर से देखना। सिक्योरिटी ए का रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है 15%। ये कैसे निकाला होगा हमने? ये हमने ऐसे निकाला होगा ऐसा। सिक्योरिटी बी का एक्सपेक्टेड रिटर्न है 12%। दो सिक्योरिटीज, दो कंपनीज है जिसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूं। मेरी जेब में 100% पैसे पड़े हैं, मैं सोच रहा हूं ए में डालूं बी में डालूं। मैंने कहा नहीं यार, पोर्टफोलियो बना लेता हूं, थोड़े पैसे ए में डाल देता हूं, थोड़े बी में डाल देता हूं। मैंने क्या किया, 40% पैसे ए में डाल दिए और 60% पैसा मैंने बी में डाल दिया। थोड़े पैसे ए में डाले, बाकी बी में डाल दिए। मुझे बताओ मैं साल के एंड पे कितना रिटर्न कमाऊंगा? भाई मैं कहूंगा मेरे 40% पैसे 15% का रिटर्न कमा रहे हैं और मेरे 60% पैसे 12% का रिटर्न कमा रहे हैं, तो बताओ मेरा वेटेड एवरेज रिटर्न कितना है? 13.2। तो मुझे बताओ पोर्टफोलियो बनाने का फायदा हुआ, रिटर्न हमारा बढ़ गया? नहीं, पोर्टफोलियो बनाने का तो मुझे कोई फायदा नजर नहीं आया। रिटर्न कैसे बढ़ सकता है? इस रिटर्न को बढ़ाना कैसे बढ़ाऊं?
एक ही तरफ पैसा ज्यादा मूव करें, रिटर्न बढ़ना शुरू हो जाएगा आपका, और रिटर्न मैक्सिमाइज हो जाएगा कब, जब सारा ये पैसा ए में डाल दूं मैं। ये बात ध्यान में बैठती है, इसका मतलब है पोर्टफोलियो बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। जिसका रिटर्न सबसे ज्यादा हो पैसे वहां डाल दो। कौन गधा पोर्टफोलियो रिटर्न के लिए बनाता है? कभी भी नहीं बनाते। रिटर्न के लिए पोर्टफोलियो बनाना, तो पोर्टफोलियो बनाने से अच्छा किसी एक ऐसी सिक्योरिटी में पैसा डाल दो जिसका रिटर्न सबसे ज्यादा है। लेकिन हमने बचपन में एक चीज पढ़ी थी कि आपने सारे अंडे एक बास्केट में नहीं डालने। ये क्यों? एक बास्केट टूटेगा तो सारे अंडे टूट जाएंगे। अगर आपने अलग अलग जगहों पर रखे होंगे अंडे, तो इसका मतलब है जब आप पैसा डिफरेंट सिक्योरिटीज में फैला देते हो, एक डूबता है तो आपको उसी पोर्शन का नुकसान होता है, पूरी इन्वेस्टमेंट का नुकसान। तो इसका मतलब है पोर्टफोलियो रिटर्न के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि रिस्क रिड्यूस करने के लिए बनाया जाता है। पोर्टफोलियो किसके लिए बनाया जाता है? रिस्क खत्म करने के लिए। इन्वेस्टमेंट फैला दो, किसी एक सेक्टर में लॉस होगा तो उसी में लॉस होगा, वही पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट तुम्हारा डूबेगा। ऐसा। अब अगर आपसे मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, पोर्टफोलियो किस लिए बनाया जाता है? रिटर्न बढ़ाने के लिए? नहीं सर, बकवास बात, अभी समझाया नहीं, अभी कह रहा यस सर जी। सर किसके लिए किया जाता है? रिस्क रिड्यूस करने के लिए। ऐसा। आप जरा गौर से एक एग्जांपल सुनना। सर ये बड़ा जबरदस्त खूबसूरत सा एक समंदर है, समंदर का साहिल है, ये साहिल है, समंदर पे एक दुकान है, इस दुकान की ओनर है मिस रेनी जी। उन्होंने कहा था जैसे आप मेरा नाम लेंगे मेरा बेटा कहेगा कि रेनी है। अगली पे कोई नाम नहीं लेगा, अभी दूसरी का नाम है मिस सनी। अब बोलोगे किसी ने कहा था कि आप नाम लेंगे तो हंसेगा कि अब मशहूर हो गई अम्मी है। अच्छा जी, दो 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 लेडीज हैं समंदर के किनारे, इनका एक पूरा सेटअप है, एक की दुकान है दूसरी की भी दुकान है। मिस रेनी जो है वो भुट्टे बेचती है। क्या बेचती है? भुट्टे बेचती है, भुट्टे समझते हो ना, क्या कहते हैं उसको, कौन बेचती है सर? ठीक है जी, तो कहाँ गया? अच्छा सुनना जरा गौर से। और मिस सनी जो है वो ये बेचती है सर आइसक्रीम, ठीक है जी, ये आइसक्रीम बेचती है। दोनों की दुकान कहाँ लगी है? साले समंदर पे, ठीक है जी, साले समंदर पे। सर जिस वक्त बारिश होती है एक आइसक्रीम नहीं बिकती, बारिश में क्या बिकते हैं? बंड के भुट्टे बिकते हैं। तो जिस दिन मिस रेनी भुट्टे बेच के जाती है 100 रुपए कमा के जाती है, कितने? और उस दिन मिस सनी कुछ नहीं कमाती। जिस दिन धूप निकली होती है तो भुट्टा कोई नहीं खरीदता, उस दिन मिस सनी की आइसक्रीम बिक रही होती है वो 100 रुपए कमा के जाती है। इसका मतलब है जिस दिन मिस रेनी कमा रही होंगी उस दिन मिस सनी जो है वो खामोश बैठी होंगी, और जिस दिन मिस सनी कमा रही होंगी वो मिस रेनी के लिए बुरा दिन होगा। अब सारे समंदर पे आधा टाइम का मतलब है 184 डेज बारिश होती है और 184 डेज यहाँ पर सूरज निकला होता है। इसका मतलब है आधे टाइम मिस रेनी जो है वो 100 रुपए अर्न कर रही होती है, आधे टाइम में सनी 100 रुपए अर्न कर रही होती है। लेकिन रोज में सनी जब सुबह काम पे आती है तो अल्लाह से दुआ मांग के आती है, या अल्लाह आज धूप निकले ताकि मेरी आइसक्रीम बिके, और जिस दिन सूरज नहीं निकलेगा तो इसकी आइसक्रीम नहीं बिकेगी। हर रोज उसको एक डर लगा होता है। इसी तरह मिस रेनी को भी हर रोज एक डर होता है, ये ताजुद भी पढ़ती है, ये क्या कहती है, अल्लाह आज मंड के बारिश हो। ऐसा। इन दोनों की जिंदगी कुत्तों वाली है, दोनों कंपेटिटर्स एक दूसरे को जलील किए जा रहे हैं, एक दूसरे खार खाते हैं। व्हाट इफ कि इन दोनों का मर्जर हो जाए, ये दोनों दुकानें मर्ज कर दें, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि रोज 100 रुपए अर्न होंगे और ये आधे आधे बांट लेंगे, 50 रुपए ये लेके जाएंगी रोज, 50 रुपए ये लेके जाएंगी। या तो बारिश होगी या सूरज निकला होगा, किसी दिन भुट्टे बिकेंगे किसी दिन आइसक्रीम बिकेगी। क्या मिस सनी और रेनी का रिटर्न बढ़ जाएगा? नहीं सर, वो पहले अल्टरनेटिव डे पे 100 रुपए कमाती थी, अब हर रोज 50 रुपए कमाती है, लेकिन एक चीज एलिमिनेट हो जाएगी, रिस्क खत्म हो जाएगा, अब दोनों की टेंशन खत्म। ऐसा। तो मुझे बताओ पोर्टफोलियो बनाने का सोल ऑब्जेक्टिव क्या है? रिस्क रिड्यूस करना, उससे वॉलिटिलिटी कम हो जाती है, उससे रिटर्न का कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात ध्यान में बैठती है, नोट कर लो इसको। ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग पोर्टफोलियो इज नॉट टू जनरेट एक्स्ट्रा रिटर्न,
बट टू रिड्यूस रिस्क, ऐसा शाबाश। नहीं, बड़ी अंग्रेजी की लाइन मैंने आखिरी दफा पता नहीं कब बोली थी, लिखो जनाब, फॉर्मेशन ऑफ पोर्टफोलियो इज फॉर रिस्क रिडक्शन नॉट फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक है जी, बचा रहे हैं वो लोग, ठीक है ना, वो अभी साइड पे हो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह। हाँ हाँ ठीक है, चले जी। अब मेरे बच्चों मुझे एक चीज ये बताओ, सुनो 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 सुनो, सारी चीजें छोड़ दो, सब चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो, सब चीजें छोड़ दो बोर्ड पे देखो। आपने कहा रिस्क रिड्यूस करने के लिए आप जो है पोर्टफोलियो बनाए। अब देखो मैं पोर्टफोलियो बना रहा हूँ बड़ा शानदार किस्म का, मैंने सोचा मैं दो सिक्योरिटीज में पैसे डालता हूँ, ठीक है जी, कुछ पैसे में डालता हूँ ओजीडीसी में। मैं एक ब्रोकर के पास गया, मैंने कहा जी मुझे एक पोर्टफोलियो बनाना है। उसने कहा बिल्कुल आपको बना के देते पोर्टफोलियो। मैंने कहा यार मैंने ना कुछ पैसे डाल दें ओजीडीसी में। उसने कहा ये ले सर, आधे पैसे आपके ओजीडीसी में चले गए। मैंने कहा मुझे फिर एक ऐसा शेयर बताओ जो जब ओजीडीसी 1% ऊपर जाए तो वो भी 1% ऊपर जाए, और जब ओजीडीसी 1% नीचे आए तो वो भी 1% नीचे आए। उसने कहा अभी आपको बताते हैं ऐसा सिक्योरिटी। उसने एक और ओजीडीसी का शेयर दे दिया। उसने कहा ये दोनों साथ ऊपर जाते हैं साथ नीचे आते हैं, ठीक है जी। मैंने कहा तो अच्छा एक और ओजीडीसी में पैसे डाल दूं। मैंने कहा नहीं यार ऐसे नहीं होगा ना, फिर तो पोर्टफोलियो नहीं होगा ना, फिर क्या हो जाएगा फिर तो पोर्टफोलियो। इसका मतलब है सर उससे मुझे एक चीज ओजीडीसी के एक शेयर दिया, फिर कहा इसी जैसा दूसरा शेयर, उससे मुझे सर एक ऐसा एसेट दिया जो के क्या जी जो मेरे पास सर परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड था। क्या था? परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड। कोरिलेशन किसको कहते हैं? एक दूसरे के साथ, यानी एक ऊपर जाएगा दूसरा कितना जाएगा। परफेक्ट का क्या मतलब है? परफेक्ट पॉजिटिव का क्या मतलब है? जब 1% एक ऊपर जाएगा तो दूसरा भी 1% ही ऊपर जाएगा, जब 1% एक नीचे आएगा तो दूसरा भी 1% नीचे आएगा। आगे बढ़ो यार, मैं बेगम बता के जाती, अच्छी बात है ना भाई, क्या हो गया, इजाजत लेना अच्छी बात है। हाँ अब एक बात बताऊं, गुस्से में नहीं कहा कि जाओ जाना जाओ, मैंने कहा भाई जहाँ आपने जाना है आप चले जाए, ठीक है। अब बनाए सर, तो मुझे ओजीडीसी का एक शेयर खरीदा, दूसरा भी ओजीडीसी का खरीदूं तो क्या होगा? ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ऐसा पोर्टफोलियो बनाने पे लाना था, ऐसा पोर्टफोलियो बनाने पे लाना था कि जहां आप ऐसी सिक्योरिटीज ले लो, एक ही ओजीडीसी ले लिया हमने, थोड़े एक ब्रोकर से ले ले, थोड़े दूसरे ब्रोकर से ले ली, गलत बात हो जाएगी। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा नहीं एक काम करता हूँ POL ले लेता हूँ साथ में, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड। फिर मुझे एक बंदे ने कहा यार ये दोनों परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड तो नहीं है लेकिन पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा सर ये भी ऑयल कंपनी है, ये भी ऑयल कंपनी है, इंटरनेशनल ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी दोनों ऊपर जाएंगी, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस गिरेंगी दोनों नीचे आएंगी, तो ये कैसा पोर्टफोलियो आपने बनाया? मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा यार आप मतलब कल का वो रखें, ऑयल प्राइसेस नीचे आएंगी दोनों पे नुकसान होगा, ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी दोनों पे फायदा होगा, तो ऐसा पोर्टफोलियो बनाने का कोई लॉजिक? मैंने कहा अच्छा फिर क्या करूं? उसने कहा कुछ ऐसा सोचें कि आपको जब एक जगह नुकसान हो रहा तो दूसरी जगह फायदा हो। मैंने कहा अच्छा फिर मैं काम करता हूं, मैं यूनिलीवर्स के शेयर्स ले लेता हूं, या मैं मिसाल के तौर पर एंग्रो के शेयर्स ले लेता हूं। अच्छा अब बताएं एंग्रो के शेयर लेके क्या फायदा? एंग्रो ऑयल को यूज करता है एज अ रॉ मटेरियल, एंग्रो ऑयल को यूज करता है एज अ रॉ मटेरियल, ओजीडीसी एंग्रो को यूज करती है एज अ सेलेबल आउटपुट। ऐसा अगर ऑयल की प्राइस बढ़ती है ओजीडीसी के प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे लेकिन एंग्रो की कॉस्ट बढ़ जाने की वजह से उसको नुकसान होगा। अगर ऑयल की प्राइसेस कम होती हैं ओजीडीसी को नुकसान होगा लेकिन एंग्रो का फायदा हो जाएगा। उसने कहा ये बन गया एक पोर्टफोलियो। इसका मतलब है ये आपस में क्या है? नेगेटिवली कोरिलेटेड एसेट्स। ऐसा इसका मतलब है सर आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए नेगेटिवली कोरिलेटेड एसेट्स से, या एटलीस्ट पॉजिटिव कोरिलेटेड एसेट्स ऐसे हो जिनमें कोरिलेशन कम हो। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास कुछ पैसे हैं और मैं
ऑयल कंपनी का भी शेयर ले लूं, गोल्ड भी ले लूं, तो ऑयल कंपनी के शेयर और गोल्ड की जो प्राइसेस हैं वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। पाकिस्तान में जब भी ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाती हैं, गोल्ड भी ऊपर जाता है, उतने उतने अमाउंट से नहीं जाता लेकिन जाता जरूर है। सर अगर मैं कुछ फॉरेन करेंसी ले लूं और मैं गोल्ड ले लूं, अब ये बहुत स्ट्रांग कोरिलेशन है। क्यों? जब भी डॉलर महंगा होगा गोल्ड भी महंगा होगा, जब भी डॉलर सस्ता होगा गोल्ड भी सस्ता होगा। ठीक है जी, तो मुझे एटलीस्ट पोर्टफोलियो बनाते हुए क्या करना चाहिए, कोशिश तो ये करनी चाहिए नेगेटिवली कोरिलेटेड एसेट्स ले लूं। लेकिन अगर ये ना मिल रहे हो तो ऐसे एसेट्स ले लें जिनका कोई कोरिलेशन नहीं है, ऐसे एसेट्स ले लें जिनका पॉजिटिव कोरिलेशन है लेकिन कम है। लेकिन ये दुनिया का सबसे फजूल काम होगा कि आप दो एक जैसी कंपनीज के शेयर्स ले लें, और उससे बड़ा फजूल काम क्या होगा, एक ही कंपनी के शेयर दो ब्रोकर से ले लें। अब बताएं सर पोर्टफोलियो बनाने के लिए करना क्या है। एंग्रो वाला पॉइंट रिपीट करते हैं, मैं अभी आई हूं। एंग्रो ऑयल को यूज करता है एज अ रॉ मटेरियल, ऑयल की प्राइस बढ़ेगी एंग्रो की कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन ऑयल की प्राइस बढ़ने से ओजीडीसी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो एक जगह पे जब आपको मार पड़ रही होगी तो दूसरी जगह आप कमा रहे होंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरे पास 100 रुपए, कुछ पैसे मैं डाल देता हूँ फायर कंपनी के अंदर। फायर कंपनी क्या बनाती है सर? अप्लायंसेस बनाती है, एसी फ्रिज, गर्म मौसम में उनके रिटर्न ज्यादा होता है। अब दूसरी तरफ मैं एक ऐसी कंपनी में पैसे डाल देता हूँ जो हीटर बनाती है, तो एक जगह से सर्दी में कमाऊंगा, एक जगह से गर्मी में कमाऊंगा, हिसाब किताब बन रहा होगा। अच्छा जी, एक काम मैं करता हूँ सर, कुछ पैसे मैं डाल देता हूँ शब्बीर टाइल्स में, कंपनी है पाकिस्तान में बड़ी मशहूर कंपनी है शब्बीर टाइल्स। शब्बीर टाइल्स टाइल्स मंगवाती है कहाँ से? इटली और स्पेन से। तो सर सीधी सी बात है, डॉलर का रेट बढ़ेगा, शब्बीर टाइल की इम्पोर्ट की कॉस्ट नुकसान होगा उसको। सर फिर एक तरफ मेरे पास एक कंपनी है सर जो एक्सपोर्ट करती है, ठीक है जी, मिसाल के तौर पर मेरे पास GHK टेक्सटाइल्स है, ये टेक्सटाइल कंपनी है सर, टेक्सटाइल कंपनी एक्सपोर्ट करती है, डॉलर का रेट बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट से डॉलर तो उतने ही मिल रहे होंगे लेकिन वो रुपयों में, ज्यादा रुपयों में कन्वर्ट हो रहे होंगे, तो इनके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब है पोर्टफोलियो बनाते हुए आपने करना क्या है, किन एसेट्स को पिक करना है। क्या मैं आपको इतना पॉइंट समझाने में कामयाब रहा कि आपको पोर्टफोलियो बनाना है रिस्क रिड्यूस करने के लिए? फिर मैंने आपको ये सिखाया कि अगर आपको पोर्टफोलियो रिस्क रिड्यूस करने के लिए बनाना है, रिटर्न के लिए नहीं बनाना, तो फिर पोर्टफोलियो ऐसी सिक्योरिटीज का होना चाहिए जो आपस में एटलीस्ट परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड ना हो, कम कोरिलेशन हो या ना हो कोरिलेशन, या क्या हो, नेगेटिवली कोरिलेटेड। अच्छा कोई दो ऐसी सिक्योरिटीज है जिनका कोई कोरिलेशन नहीं है, ऐसी कोई सिक्योरिटी है दो जिनका कोई कोरिलेशन नहीं है, कोई एग्जांपल? पैसा एजुकेशन सेक्टर में डालो या पैसा किसी फार्मा कंपनी में डाल दो, दोनों का कोई लिंक ही नहीं है, दोनों का कोई लिंक नहीं है। ऐसा नहीं कि फार्मा का रिटर्न बढ़ेगा तो स्कूल के रिटर्न्स कम होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों का कोई कोरिलेशन नहीं है। तो बताओ पोर्टफोलियो किन सिक्योरिटीज से बनानी चाहिए सर? जी या तो बेहतरीन हो कि परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड हो, या नेगेटिवली कोरिलेटेड हो, या जीरो कोरिलेशन हो, या पॉजिटिव कोरिलेशन हो लेकिन इतना स्ट्रांग ना हो। दुनिया का सबसे फजूल बंदा क्या होगा, अपने 100 रुपए उठा के डालेगा OGTC में, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स में, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में, नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड में, ठीक है जी, सारी ऑयल कंपनीज में पैसा डाल देगा, तो फिर एक साथ ही गर्क होगा वो, ऐसा। अब फिर हमें ये पता चलना चाहिए कि अगर मैं दो सिक्योरिटीज पिक कर रहा हूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि इनके बीच में कोरिलेशन क्या है? इसका मतलब अब हमें कोरिलेशन कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो अपने पास सेटिंग डालोगे कोरिलेशन, ठीक है, होते हैं, बिल्कुल होते हैं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते, थ्योरेटिकली हो सकते हैं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड इम्पॉसिबल है कि दो ऐसे एसेट्स हो जो एक ऊपर जाए तो एग्जैक्टली दूसरा 1% नीचे आए, ये पॉसिबल नहीं है। सर ऐसा हो सकता है कि ब्रोकर वाइज थोड़ा बहुत रिटर्न का डिफरेंस हो जब कंपनी रिटर्न सेम, यार अल्लाह के बंदे, ब्रोकर से आप शेयर्स खरीद लेते हो उसके बाद थोड़ी रिटर्न शेयर करते हो ब्रोकर के साथ, एक दफा शेयर खरीद लिया तो सारा डिविडेंड किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा। तो ये थोड़ी हो सकता है कि OGDC का एक शेयर मैंने चूंकि अब्दुल रफीक से खरीदा था और एक अब्दुल जलील से खरीदा, दोनों का डिविडेंड अलग अलग आया, ठीक है ना। रिटर्न डायरेक्ट आता है, मतलब
ये समझ नहीं आया मुझे, रिटर्न डायरेक्ट आता है क्या मतलब, कहीं तो फर्स्ट फर्स्ट क्या आना चाहिए हैं। हाँ अच्छी बात ये कि दो डिफरेंट सेक्टर्स में पैसा इन्वेस्ट करो समझ नहीं आया सिर्फ सवाल का। अच्छा सुनो, अब आओ मेरे बच्चों, सुनो सुनो सुनो, सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो, मैं आपके सामने दो एसेट्स रख रहा हूं और हम उसमें क्या ढूंढने जा रहे हैं कि उनके बीच में रिलेशनशिप कोरिलेशन कैसा है, ठीक है। एक सिक्योरिटी ए है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों ये ये एक कैलकुलेशन है जो हमने सीखने, फिर हमने उसी फॉर्मूले पे जा रहे हैं जो हमने अल्टीमेटली देखना है। प्यारा भाई अल्लाह के वास्ते बोर्ड पे 30, 40 और 30, ठीक है। ए का रिटर्न है 10%, 16%, 20%। बी का रिटर्न है 18%, हट जा भाई, 14% और 12%, ठीक है जी। दो कंपनीज हैं, आपको इन दोनों के बीच में क्या ढूंढना है। जूम यूजर क्या कह रहा है, मुझे अभी इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ इन्वेस्ट करूँ, अभी रुक जा बेटा जरा, ये कंसल्टेंसी अलग से देता हूँ मैं, रुक जा। यार बंदा तेरी तरह शुद्ध गरीब नहीं है ना, होगा पैसा। एक काम करते हैं, सुनो, आपको एग्जामिनर ने कहा भाई इन दोनों के बीच में कोरिलेशन आइडेंटिफाई करो, क्या करो, कोरिलेशन, और चेक करो कि ये इस लायक हैं कि इनको मिला के एक पोर्टफोलियो बनाया जाए। हमने कहा अभी चेक करते हैं, सबसे पहला काम इन दोनों का मीन निकाल लो, स्टेप वन। मीन निकालने आता है ना, जिसको हम एवरेज रिटर्न्स कहते हैं। यार ये सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, ये देख लेना तरीके से अल्लाह के वास्ते, ठीक है। मैंने कहा जी मेरे पास प्रोबेबिलिटी एक्स और एक्स बार, इसी तरह प्रोबेबिलिटी वाई और वाई बार, मुझे बताएं सर मेरे पास प्रोबेबिलिटी कितनी, 30, 40 और 30। रेट कितना जी मेरे पास, 10, 16 और 20। मुझे बताओगे जरा वेटेड एवरेज क्या आ रहा है सर, मल्टीप्लाई करके बताते जाओ। ये 3% नहीं है, 6.4 और 6, पक्का कितना हो गया टोटल 15 पॉइंट। इसका एवरेज रिटर्न है 15.4, इस पर किसी को कंफ्यूजन नहीं। बी 30, 40 और 30, सर ये 18, 14 और 12, कितना 5.4 और 3.6 टोटल 13 पॉइंट। मेरे बच्चों बोर्ड पर बोर्ड पर बोर्ड पर नहीं लिखो, नहीं लिखो, दो मिनट के लिए नहीं लिखो। मीन निकला, मीन निकला। अब सुनो 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 सुनो, बोर्ड पे देखना मेरे बच्चों, दोनों का अल्लाह के वास्ते यहां देख लो या पीछे बैठा करो अगर बातें करना होती है तो। स्टैंड इक्वेशन कैसे निकाले सर, सर अभी आपने सिखाया था पी 30%, 40% और 30%, ऐसा। मैं थोड़ा सा ना स्टैंड इक्वेशन को लंबा कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स माइनस एक्स बार निकाल के दो मुझे, कितना -5.4। मेरे बच्चों बोर्ड पे देखना, ये एनालिसिस समझ नहीं आएगा, वो फंक्शन भेजे में नहीं बैठेगा। फिर 16 माइनस 15.4, 0.6 और फिर 4.6, ऐसा। अब मुझे आप पी माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, पी से मल्टीप्लाई करो, 8 पॉइंट, सही कह रहे लड़का, ठीक है। फिर लास्ट 6.348। मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे देखना, प्लीज बोर्ड पे देखना क्या आ रहा है। मीन ऑफ बी 14.6 नहीं है, चेक कर लो जुबैर, कितना
ये कितना और मैं उस बच्चे को कह रहा हूं कि वो गलत है, सही बोल रहा था वो। ये सही है, ये कितना आ रहा है 15 पॉइंट, इसका रूट ले लो 3.9%। मेरे बच्चों थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है, हम आधे में पहुंच चुके हैं, हम कुछ डाटा जमा कर रहे हैं अभी, मीन निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं, इसके बाद हम जज करेंगे कि ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या नहीं है। ठीक है जी। अब सर फिर प्रोबेबिलिटी सर कितना जी? सर मेरे पास 30, 40 और 3.4 कैसे 3.4 है, फिर 0.6 नेगेटिव, फिर 3.968, फिर 3 में 3 डल गए, फिर 0.0 कितना 0.02 5 पॉइंट, और अब इसको तोप में बिठा के खाली भी कर देंगे, किधर 3.7। अच्छा मेरे बच्चों बोर्ड पे, बोर्ड पे सारी चीजें छोड़ दो, हमने अच्छा खासा काम कर दिया, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं कि हम कहाँ खड़े। सुनो, दोनों का मीन आपके पास है, दोनों का डिविएशन आपके पास है, स्टैंडर्ड डिविएशन है ऐसा। अब सुनो, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, मैं एक कैलकुलेशन कर रहा हूं जिस कॉल्ड कोवेरियंस। कोवेरियंस, वेरियंस का मतलब मूवमेंट, दोनों मूव कैसे कर रहे हैं, दो सिक्योरिटीज मूव कैसे कर रहे हैं। छोड़ दो लिखना यार, ये बच्चा क्या मोबाइल देख रहेगा, क्या कर रहे हो यार, चले जाओ क्लास के बाहर सुकून से बैठ के रिकॉर्डेड ले लिया करो, क्लास में आके मोबाइल देख रहे हो यार जी। कोवेरियंस निकालना सर हमने, अगर मैं आपसे कहूं कोवेरियंस का मतलब है दो सिक्योरिटीज मूव कैसे होती है। अच्छा आप पहली सिक्योरिटी को देखो, पहली सिक्योरिटी, क्या पहली सिक्योरिटी में 10% का रिटर्न मीन से ऊपर है या नीचे? मीन कह रहे ऊपर, ऐसे ऊपर तो लगा हुआ है लेकिन अमाउंट में बोल रहा हूं जी, मीन से ऊपर है नीचे? नीचे सर, ये रहा सर 5.4 ऐसा नेगेटिव। मैं कह रहा हूं भैया मेरे पास 30, 40 और 30, जो पहली सिक्योरिटी है वो जब मीन से नीचे रिपोर्ट हुई तो दूसरी सिक्योरिटी उस वक्त क्या कर रही थी, वो मीन से ऊपर थी या मीन से नीचे थी? वो मीन से ऊपर थी, कितना 3.4। अच्छा मैंने कहा भाई इनमें तो कोई तालमेल नजर नहीं आ रहा, एक जब नीचे जा रही है तो दूसरी अपने मीन से ऊपर जा रही है, अपेरेंटली लग रहा है दोनों के बीच में रिलेशनशिप पॉजिटिव नहीं, क्योंकि अगर मार्केट वेरिएबल्स दोनों को एक जैसा अफेक्ट करते तो या तो दोनों ऊपर जाते या दोनों नीचे आते, एक मीन से ऊपर जा रहा है एक मीन से नीचे आ रहा है। हमने कहा दूसरा ऑब्जर्वेशन देखो, एक जो है ना मीन से थोड़ा सा ऊपर है और दूसरा मीन से थोड़ा सा नीचे, यानी 1.6 है पॉजिटिव, 1.6 नेगेटिव है, ये 0.6 पॉजिटिव है, ये 0.6 नेगेटिव है। मैंने कहा ओके, इसका मतलब है यहां पर भी ऑब्जर्वेशन क्या आई, नेगेटिव, इसका मतलब है दोनों आपस में पॉजिटिवली तो रिलेटेड नजर नहीं आ रहे। एक और ऑब्जर्वेशन देखो, वो क्या जी, एक पॉजिटिव 4.6 है मीन से डिविएशन, दूसरा मैंने कहा यार तो कंफर्म हो गया 4.6 और ये
2.6 ऐसा। अब बताओ जब एक मीन से ऊपर जाता है दूसरा मीन से नीचे आता है, एक मीन से नीचे आता है तो दूसरा मीन से ऊपर जाता है, इसका मतलब है दोनों का रिलेशनशिप एटलीस्ट पॉजिटिव नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इन दो फिगर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो जवाब पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? एक पॉजिटिव फिगर एक नेगेटिव फिगर है, मल्टीप्लाई करूंगा जवाब पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर, और तो सुनना, अगर ये दोनों नेगेटिव होते, ये दोनों नेगेटिव होते, मैं मल्टीप्लाई करता रिजल्ट, तो मैं कहता हाँ भाई दोनों मीन से नीचे जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करें रिजल्ट पॉजिटिव है। दोनों मीन से ऊपर जा रहे होते रिजल्ट, मल्टीप्लाई करते रिजल्ट क्या आता? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर, P इंटू एक्स माइनस एक्स बार और Y माइनस Y बार, मुझे मल्टीप्लाई करके दो, मुझे बताओ ये मेजॉरिटी रिजल्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है? करो मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, कितना 5.5 नेगेटिव, ये पॉजिटिव आ रहा है। आप सिंपल 5.4 लो, आप सिंपल 3.4 लो, मल्टीप्लाई करो और फिर इसको 30% से मल्टीप्लाई कर दे जी, माइनस में कितना 3.4 एब्सोल्यूट नंबर लो, 5.4 एब्सोल्यूट नंबर लो, नेगेटिव में रखना, मल्टीप्लाई करो 5.51 नेगेटिव, दूसरा 0.144 नेगेटिव, 40% से मल्टीप्लाई करने के बाद बता रहे हो ना, फिर 3.59 नेगेटिव पक्का सर? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, अगर मैं इन कोरिलेशंस का टोटल कर दूं, करो टोटल क्या आ रहा है 9.244। इसका साइन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? कोवेरियंस का कोई मतलब नहीं होता, कोवेरियंस के साइन का मतलब होता है, साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसका मतलब है दोनों का रिलेशनशिप नेगेटिव है, नेगेटिवली कोरिलेटेड है। ये आपने दोनों की डायरेक्शन तो बता दी, जब एक ऊपर जाता है दूसरा नीचे आता है, लेकिन ताल्लुक कितना स्ट्रांग है ये इससे पता नहीं चल रहा। कोवेरियंस से आपको ये पता चल जाएगा दोनों की को मूवमेंट कैसी है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, कोरिलेशन में। कोरिलेशन का एक फंक्शन है कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। मैं चाहता हूं मैं इसको कोई लॉजिकल नंबर दूं, इसका मतलब क्या, कोवेरियंस कितना जी 9.244 डिवाइडेड बाय 3.9 और 2.7 इसको जिस तरह लिखा है ना उसी तरह लेके चलो। सर अगर आप ये सारे तरीके से नंबर्स में डालते हैं ना तो ये आता 0.87 और ये नेगेटिव है, तो जवाब किस में आता ऐसा? अब सुनना जरा, सुनो, ये कैलकुलेशन हमारे कोर्स में नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूं मैं तुम्हें। दोनों का रिलेशनशिप है 0.87 नेगेटिव, कोरिलेशन मूव करती है नेगेटिव वन से पॉजिटिव वन तक। नेगेटिव वन का मतलब है अगर ये कोरिलेशन नेगेटिव वन आती ना तो हम कहते हैं परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड है, ठीक है जी। अगर ये पॉजिटिव वन आता तो मैं कहता ये परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, ऐसा। ये नेगेटिव 0.87 है, इसका मतलब क्या है सर? ये माइनस वन से कम है लेकिन अच्छी सिक्योरिटी है, आप इन दोनों से पोर्टफोलियो बना सकते हो, अच्छा हिसाब किताब है इनका। अगर ये पॉजिटिव 8.7 होते तो मैं कहता ये वन के काफी करीब करीब है, ये तो ऐसे ही है जैसे एक जैसी सिक्योरिटीज है। तो मुझे बताएं आपने कोवेरियंस को कन्वर्ट कर लिया किसमें, कोरिलेशन में, कोरिलेशन की वैल्यू है। अब बताएं 0.87 क्या इंडिकेट कर रहा है, जब एक सिक्योरिटी 1% ऊपर जाती है तो दूसरी 0.87 नीचे आती है, जब एक 1% नीचे जाती है तो दूसरी 0.87 ऊपर जाती है, दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप का स्ट्रेंथ है वो 87% है, यानी एक दूसरे की मूवमेंट को 87% मिमिक करती है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। जब एक ऊपर जा रही होती है तो दूसरी नीचे आती है, जब दूसरी ऊपर जा रही है तो पहली नीचे आ रही होती है, इन दोनों का रिलेशनशिप नेगेटिव है
और बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इनका, यानी जब एक ऊपर जाता है तो 87% ऑफ द मूवमेंट दूसरी नीचे आ रही होती है, जब दूसरी ऊपर जा रही होती है तो पहली 87% मूवमेंट नीचे आ रही होती है। इसका मतलब ये कि सर कोरिलेशन कोवेरियंस क्या था? कुछ भी नहीं था। कोवेरियंस का नंबर मैटर नहीं करता, क्या है? साइन मैटर करता है। अब बताएं जनाब, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि दो चीजों को का पोर्टफोलियो बनाना है और उस पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमें ढूंढना क्या पड़ेगा कि उनका कोरिलेशन क्या है, किन सिक्योरिटीज को आप पोर्टफोलियो में डालोगे जो नेगेटिवली कोरिलेटेड हो? कोरिलेशन कैलकुलेट करना आ गया, बड़ा आसान है सर। कोवेरियंस निकालने, कोवेरियंस क्या है? मीन से देखें दोनों का डिविएशन कैसा है, मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके देख लें, साइन आपको पता चल जाएगा कोवेरियंस का, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सर लेकिन उसको मैंने एक नंबर में कन्वर्ट करना है तो क्या करूं? कोवेरियंस को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? कोरिलेशन में। और कोरिलेशन आपको ये बताएगा कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग है। अगर यहां नेगेटिव वन आ जाता तो मैं कहता भाई इससे अच्छी सिक्योरिटीज तो हो ही नहीं सकती, एक ऊपर जाता तो एग्जैक्ट दूसरा नीचे आता ऐसा। लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसी चीजें एग्जिस्ट आमतौर पर नहीं करती है, ऐसा याद रहेगा। अब बताओ अगर मैं आपको दो सिक्योरिटीज दूं, आप मुझे कोरिलेशन निकाल के दे दोगे? अब देखें सुने, हम अपने फॉर्मूला जो हमने जो हमारे एग्जाम का फॉर्मूला है ना, हम उसके 80% करीब आ गए, 80% रास्ता हमने ट्रेवल कर लिया, ठीक है जी। अब मुझे बताएं सर एक सिक्योरिटी का रिटर्न मालूम करना है कि वो कितना कमा के देगी, क्या करें? एवरेज रिटर्न निकाल लें। एक सिक्योरिटी कितनी खतरनाक है, क्या निकाल लें? स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें। दो सिक्योरिटीज का पोर्टफोलियो रिटर्न के लिए बनाया जाता है? नहीं सर, दो सिक्योरिटीज का पोर्टफोलियो बनाया जाता है किसके लिए? रिस्क रिड्यूस करने के लिए। और रिस्क रिड्यूस करने के लिए किन सिक्योरिटीज को रखा जाना चाहिए? सर यार ये 2.7 है, 2.37 है, तो ये जवाब क्या आ रहा है? जवाब यही आ रहा है, क्या होगा देखो जरा, क्या आ रहा है? ओए ओए बेहतरीन होगा जी, ओहो ऐसी सिक्योरिटी चाहिए भाई, हैं? रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है सर। व्हाट्सएप का जो रिटर्न आपने लिखे यही हो, वल्लाह आलम प्रैक्टिकली नहीं होता ऐसा, ठीक है।